Hello everyone, this is Alex Smith. Welcome to Knowledge the Ambition, a platform for study in a smart way. Friends, स्वागत है आपका Knowledge the Ambition के इस session में. आज का वीडियो ये आपका नोटिफिकेशन वीडियो है. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका नॉलेज द एम्बिशन पर आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ गवर्नमेंट स्कीम्स, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट हैं उनका जो विस्तार में डिस्कशन रहेगा वो किस तरह से रहेगा. आने वाली वीडियोज़ में हम आपको प्रोवाइड करवाऊँगा जो आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश की, जो हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम पर कार्य कर रही हैं, और जो हिमाचल प्रदेश के बजट यानी 2020 के बजट में जो आपकी प्रस्तावित हुई है. तो जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं आपकी सभी को विस्तार में डिस्कस किया जाएगा. तो ये आपकी नोटिफिकेशन वीडियो, आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि हमारा सेशन जो है किस तरह से रहने वाला है, कौन कौन सी स्कीम्स जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए सेशन रहने वाला है. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें. तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि हमारा ये सेशन किस तरह से रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आप को डिसाइड करना है कि आपको ये सेशन देखना है या नहीं देखना है. अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल है जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स अदर स्टूडेंट्स, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो जो हमारा ये हिमाचल गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट का सेशन रहने वाला है, आगे की पूरी सीरीज रहने वाली है, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं हैं, जो हिमाचल सरकार की योजनाएं जो कार्य कर रही हैं और जो आपकी 2020-21 जो आपको फाइनेंशियल ईयर है इसमें प्रस्तावित हुई हैं कि कौन कौन सी योजनाएँ जो है वो लॉन्च की जाएंगी, कौन कौन सी योजनाएँ कार्य करेंगी. तो उन सभी का हम यहाँ पर विस्तार में जो है अध्ययन करेंगे. विस्तार में करने का मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव है क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपके मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं. अगर कोई अलाइड मेंस की तैयारी कर रहा है, कोई एचपीएस मेंस की तैयारी कर रहा है, चाहे किसी भी बड़े लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे छोटे लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो सबके लिए सेशन इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है एचपी अलाइड मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होना चाहिए. अगर विस्तार में डिस्कस करेंगे तो उनके लिए जो है वो आपका मेंस में लिखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. तो अगर आप सेकेंड लेवल की बात करें जो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें आपके योजनाओं से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक योजनाएं मैक्सिमम पूछी ही जाती हैं, एक दो योजनाएं एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में पूछ ही ली जाती हैं, तो जो सेकंड लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जो एमसीक्यूज़ देते हैं यानी प्री की बात कर रहे हैं हम, जो आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं के बारे में उनके लॉन्च ईयर या डेट पूछ ली जाती है, या फिर वो किस फील्ड में कार्य कर रही हैं वो पूछ लिया जाता है. लेकिन यहाँ पर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे जो आपके मेंस लिखने जा रहे हैं. तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट अलाइड मेंस की तैयारी कर रहा है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है. तो विस्तार में हम ये पूरी योजनाओं को जो है डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर योजनाएं मैं आपको दिखाता हूँ, हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम पे काफ़ी योजनाएं जो है वर्क कर रही हैं. कुछ ऐसी योजनाएं भी होती हैं जिनका नाम आपने कभी सुना तक नहीं होता, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. बात करें मेंस के पर्सपेक्टिव से चाहे प्री के पर्सपेक्टिव से, आप अगर छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हो चाहे बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपकी सभी जानकारी जो है करंट डाटा से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि यहाँ पर योजनाएँ जो मैंने कुछ लिखी हैं, यहाँ पर बता दूं तो जो हिमाचल प्रदेश की सभी योजनाएं यहां पर नहीं लिखी गई हैं जो कि कार्य कर रही हैं. इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं जिन्हें हम विस्तार में जो है डिस्कस करेंगे. काफ़ी सारी योजनाएं, डेली बेसिस पर आपका 25 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें जितनी भी योजनाएं हम डिस्कस कर पाएंगे डेली बेसिस पर उतनी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा. इसके साथ में डेली बेसिस पर आप जुड़े रहिए नॉलेज द एम्बिशन के साथ, और जल्द ही कुछ दिनों में ये योजनाओं का सेशन आपका समाप्त हो जाएगा और आपको जो है आपकी पूरी योजनाएँ जो हिमाचल प्रदेश की है उसकी स्टडी पूरी कम्प्लीट करवा दी जाएगी. यहाँ पर बात करें कुछ योजनाएं जो होती हैं वो काफ़ी कॉमन होती है, यानी एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी होती हैं या स्टूडेंट्स को पता होती है, पढ़ी होती है उन्होंने, तो काफ़ी फैमिलियर होते हैं. जैसे कि यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, बेटी है अनमोल योजना है, किशोरी शक्ति योजना है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी महिला स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है. तो ये कुछ कॉमन योजनाएँ होती हैं जिनके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन यहाँ पर आप विस्तार में डिस्कस करेंगे, करंट डाटा के साथ डिस्कस करेंगे, कितना फंड अलॉट हुआ है बजट में, साथ ही में किस तरह से ये कार्य कर रही हैं, क्या इनकी आपकी जो है
किस फील्ड में ये अच्छे से काम कर रही है, कौन सी योजना अच्छे से काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, किसकी क्या पोजीशन है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, हम सब कुछ यहाँ पर विस्तार में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी इम्पॉर्टेंट जितनी भी आपकी वन स्टॉप सेंटर योजना होगी, मातृशक्ति बीमा योजना होगी, चाहे आपकी सामेकित बाल विकास योजनाएँ होगी, तो सभी योजनाओं को जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में सबसे पहले जो आपका ये सीरीज चलने वाली, सबसे पहले जो हम 2020-21 फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2020-21 का है, इसमें हिमाचल बजट में जितनी भी योजनाएं प्रस्तावित हुई हैं, साथ ही में जो भी योजनाएं डिस्कस की गई हैं, आपकी जिन योजनाओं का नाम आया बजट में, जो आपकी बजट में डिस्कस की गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा, तो उन सभी योजनाओं का हम सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके किसी भी वक्त हो सकते हैं। फिलहाल तो आपका कोरोना वायरस के चलते सभी स्थगित हो गया है, लेकिन किसी भी वक्त जो है अगर स्थिति नॉर्मल होती है तो आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाएंगे, फिर आपको समय नहीं मिल पाएगा, तो आपको अभी से जो है ये कवर करके चलना है। तो यहाँ पर जो बजट में कुछ प्रस्तावित तथा कुछ जो कार्य कर रही हैं योजनाएँ, उनके बारे में भी हम विस्तार में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक एक योजना को हम डिटेल में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ योजना है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जॉब की हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो अगर आप नॉलेज द एम्बिशन पर डेली बेसिस पर जुड़े हैं, डेली करंट अफेयर का सेशन देखते हैं, साथ ही में आपका जो आपकी हिमाचल वंडरलैंड MCQs की हमारी डेली की सीरीज चलती है वो देखते हैं, या फिर आपके गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका की जो सीरीज चलती है वो भी आप अगर रेगुलर बेसिस पर देखते हैं, तो काफ़ी सारी योजनाएँ जो है मैं उन वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ MCQs फॉर्म में। तो इस जो आपका हिमाचल गवर्नमेंट स्कीम्स का ही हमारी सीरीज चलेगी, इसमें हम डिस्कस करेंगे विस्तार में, एक एक योजना को विस्तार में डिस्कस करेंगे, कब वो लॉन्च हुई थी, क्या इनका क्राइटेरिया है, और साथ ही में किस फील्ड में ये काम करती हैं, और प्रेजेंट टाइम पे इनकी क्या पोजीशन है। तो हर मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्री के पर्सपेक्टिव से भी पूरा यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, तो आप ज़रूर जुड़िएगा। और जिस तरह से यहाँ पर आपकी योजनाएं मैंने यहाँ पर आपकी शो की हैं, जो कि आपकी 2020 के करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो आपकी 2020 के जो बजट में प्रस्तावित हुई हैं कुछ योजनाएं, तो वो योजनाएं जो आप अगर आप डेली बेसिस पर नॉलेज द एम्बिशन के कोई भी सेशन देखते हो, तो आपको काफ़ी हद तक जो है इनके बारे में फैमिलियर होंगे, क्योंकि जो आपके नॉलेज द एम्बिशन पर मैंने सभी जो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना होगी, सेवा संकल्प योजना होगी, गृहिणी सुविधा योजना होगी, तो ये आपके MCQs फॉर्म में मैं कवर करवा चुका हूँ, तो वो MCQs फॉर्म में कवर करवा चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो में हम इस सीरीज़ में जो है वो इन्हें विस्तार में डिस्कस करेंगे, ताकि जो प्री और मेंस जो है दोनों पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो अगर आप अभी प्री की तैयारी कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप छोटे लेवल एग्ज़ाम की तैयारी करो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि योजनाएं हैं आपकी लॉन्च डेट, लॉन्च ईयर और किस फील्ड में ये कार्य करती हैं वो पूछ लिया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा जो है वो शेड्यूल रहने वाला है आगे आने वाली वीडियोस के लिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर इसमें कोई चेंजेस करना है, किस तरह से आप सेशन को चाहते हैं, और साथ ही में अगर आप में से कोई अलाइड मेंस की तैयारी कर रहा हो, HS की तैयारी कर रहा हो, जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किस तरह से किस शेड्यूल में वीडियो चाहिए, तो आपको आपके लिए उस तरह से प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। साथ ही में फ्रेंड्स, बात करूं हिमाचल प्रदेश प्लस नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर कवरेज की, तो अगर आप डेली बेसिस पर मेरे साथ जुड़ते हैं, तो आपका जो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो डेली बेसिस पर यहाँ पर कवर किया जाता है, और साथ ही में हिमाचल प्रदेश का जो है वो भी डेली बेसिस पर कवर किया जाता है। जैसा कि मैं 18 मार्च 2020 की जो आपकी साप्ताहिक पत्रिका लेकर आया था, आपकी आज ही वो वीडियो अपलोड हुई है, तो आपने अगर वो नहीं देखी आप वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हैं। तो उसमें जो भी MCQs मैं वहाँ पर पूरी जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें जो भी आपका डाटा दिया हुआ था, वो सभी मैं डेली बेसिस पर जो है करंट अफेयर में कवर करवा चुका था, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप ये सेशन अगर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप डेली बेसिस पर जो है करंट अफेयर के साथ जुड़ते हो हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशली, मैंने एक अलग से सेशन रखने की शुरुआत कर रहा हूँ मैं, ताकि हिमाचल प्रदेश का डेली बेसिस पर जो इंपॉर्टेंट, अगर आपका इंपॉर्टेंट कोई डाटा नहीं भी बनता है, तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, साथ ही में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस या कोई भी इवेंट न्यूज़ में रहता है, कोई भी एक्टिविटीज़ अगर हिमाचल की न्यूज़ में रहती है, तो उस वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस कर सकें। तो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का अलग से सेशन, साथ ही में हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट के लिए हिमाचल प्रदेश का अलग से सेशन डेली बेसिस पर हिमाचल न्यूज़ का शुरू किया जा रहा है, तो आप ज़रूर जुड़िएगा।
हिमाचल प्रदेश, और जब आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का आप कंप्लीट कवरेज यहाँ पर आपका किया जाएगा। तो आपको करंट अफेयर साथ ही में जो हिमाचल गवर्नमेंट स्कीम्स का ये सेशन शुरू किया जा रहा है, तो आप इसके साथ ज़रूर जुड़िएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपके लिए जो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, साथ ही में एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी स्ट्रैटेजी या टिप्स आपकी प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी के साथ जो हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है उसकी भी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी चैनल पर, आप उसे चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ हमारी डेली बेसिस पर चलती है, सभी वीडियोज़ एक जगह प्रोवाइड करवा दी गई हैं और आप उन्हें देख सकते हो। वीडियो का जो वीडियो की लेंथ काफ़ी छोटी है, 15 से 20 मिनट या 25 मिनट मैक्सिमम है, तो आप इन्हें कम समय में देख सकते हो। डेली बेसिस पर हमारी सीरीज चलती है और डेली बेसिस पर आप अगर आप जुड़ेंगे तो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप काफ़ी कम समय में जो है वो वंडरलैंड की पूरी सीरीज़ जो आपकी पहले वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं वो देख सकते हैं और डेली बेसिस पर नॉलेज द एम्बिशन के साथ जोड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आपकी ये नोटिफिकेशन वीडियो थी। अगर आपको ये सीरीज़ जो है पसंद आती है, अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो आप तक रेगुलरली पहुँच सके। इसी के साथ अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हो नॉलेज द एम्बिशन पर, नॉलेज द एम्बिशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए गए हैं। आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नॉलेज द एम्बिशन का जुड़ सकते हो। नॉलेज द एम्बिशन पर जो है आपको फेसबुक पर डेली पोस्ट, डेली क्विज आपको देखने को मिलता है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में, इंस्टाग्राम की फीड्स में आपको डेली पोस्ट देखने को मिलते हैं, साथ ही में टिकटॉक पर भी डेली का एक दो वीडियोज आपको देखने को मिलता है, और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और साथ ही में आप ब्लॉग पर भी ये सभी वीडियोज के जो कंटेंट है वो आप पढ़ सकते हो। तो सभी वीडियो का कंटेंट आप ब्लॉग पर भी पढ़ सकते हो, ब्लॉग का लिंक यहाँ पर दिया गया है, साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। अगर आपको की कोई क्वेरीज हैं इस सीरीज़ से रिलेटेड, या कोई आपको डाउट है, या फिर कोई अदर डाउट है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी अगर आपको क्वेरीज हैं, कोई भी अगर आप किसी भी कंटेंट पर वीडियो चाहते हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो चाहे आपका अदर हो, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, आप वहां पर पोस्ट कर सकते हो, वहां पर अपनी क्वेरीज कर रख सकते हो। साथ ही में अगर आप व्हाट्सएप पर पूछना चाहते हो, आप व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ सकते हो, तो आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर जो है वो मेरे साथ जुड़ सकते हो, अपनी क्वेरीज रख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़ेंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो आपके फ्रेंड लिस्ट है, आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, तो सब में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुँचेंगी तो सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एज बीइंग एन एस्टूडेंट मुझे पता है कि किस का कंटेंट जो है स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होता है, किस तरह का उन्हें कंटेंट चाहिए और किस तरह की जो है उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं भी एक एस्पिरेंट, मुझे पता है किस तरह का कंटेंट हमें चाहिए होता है। तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के लिए बेनिफिशियल हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।